तो गाइस इस बार जून के अपडेट में हमें मिलने वाला एक और न्यू सुपर ट्रूप। अब ये कौन से ट्रूप का सुपर ट्रूप होने वाला है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अपने गेम में सुपर ट्रूप आने वाला है, इसके पीछे दो रीजंस है जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू वाला बेल आइकन हिट कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग क्लैश वीडियोस आप तक आती रहे। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले रीजन की। तो गाइस अगर तुम क्लैश ऑफ क्लैंस को बहुत दिनों से खेल रहे हो तो तुम लोगों को पता है कि अपने गेम में सुपर ट्रूप्स आते रहते हैं, लेकिन अपने गेम में बहुत दिनों से सुपर ट्रूप नहीं आया। जो अपना लास्ट सुपर ट्रूप आया था वो था अपना सुपर हॉग राइडर, और तुम लोगों को पता है वो कितने महीने पहले आया था? तो गाइस वो आया था 9 महीने पहले, तो 9 महीने से अपने गेम में कोई भी सुपर ट्रूप ऐड नहीं हुआ है। तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार लुच्चा। तो इस चीज से बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपने को जून के अपडेट में एक न्यू सुपर ट्रूप मिलने वाला है, क्योंकि जून के अपडेट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें कोई न्यू सुपर ट्रूप मिले। तो गाइस ये था पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जिससे तुम फिक्स हो जाओगे कि भाई अपने गेम में आने वाला है एक न्यू सुपर ट्रूप और कौन से ट्रूप का ये सुपर ट्रूप होने वाला है। तो गाइस अगर तुम क्लैश ऑफ क्लैंस के ट्विटर या फिर अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करते हो तो भाई तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि वो लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन के बारे में बहुत ज्यादा ही पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को यूट्यूब शॉर्ट याद हो जिसमें भाई उन्होंने इलेक्ट्रो ड्रैगन बताया था और इलेक्ट्रो ड्रैगन जैसे विजर्ड टावर पर अटैक करने जा रहा था तो भाई अपने एयर सुपर ने उसे पुश कर दिया था। एंड अभी रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैंस अपने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। The evidence is here, this make it pretty clear that electro dragons need a buff. जिन लोगों को पता नहीं कि buff का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं कि buff का मतलब होता है उस ट्रूप को पावरफुल बनाना, यानी उसकी जो हिट पॉइंट वगैरह है उसे इंक्रीज करना। और इस इमेज में उन्होंने दिखाया क्या है, 100 electro dragons equals to 1 sweeper. कि भाई 100 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के सामने अपन एक एयर सुपर लगाएंगे तो भाई कौन जीतेगा? अब इसका आंसर तो बहुत सिंपल सा है कि अपना एयर सुपर ही जीत जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत धीमे अटैक करता है, मतलब पावरफुल तो करता है लेकिन बहुत लेट करता है, जिससे अपने एयर सुपर को टाइम मिल जाता है। तो इससे फिक्स हो चुका है कि भाई अपने गेम में आने वाला है इलेक्ट्रो ड्रैगन का सुपर ट्रूप। अब इसका एक कॉन्सेप्ट भी निकला था जिसे मैंने अपने थंबनेल में यूज किया है और तुम लोग यहां पे भी देख सकते हो कि भाई ये अपने सुपर इलेक्ट्रो ड्रैगन का एक कॉन्सेप्ट। गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन एक न्यू सुपर ट्रूप के आने की अपने जून के अपडेट में। और भाई अपने जून के अपडेट में और क्या क्या आने वाला है उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो भाई इसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू वाला बेल आइकन हिट कर देना।